नमस्कार, आप दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। कैनेडियाई उप विदेश मंत्री के अमित शाह पर दिए बयान से भारत नाराज। विदेश मंत्रालय ने कैनेडा सरकार के समक्ष जताई नाराजगी, बयान को निराधार और अनर्गल बताया। कैनेडा में भारतीय राजनयिकों के फोन टेप किए जाने का आरोप, कहा द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ेगा गंभीर असर। अमेरिका में है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल। मुंबई पुलिस ने प्रत्यर्पण का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा है। लॉरेंस और अनमोल को 14 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा इलाके में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हुई गोलीबारी की घटना में वंचित आरोपी नामजद किया गया है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और श्रीनगर के में 3 आतंकवादियों को मार गिराया। मुठभेड़ में 4 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बड़गाम में मजदूरों पर हुए आतंकी हमले पर कहा, इसकी जांच होनी चाहिए। यहां सरकार बन गई है और ये सब कैसे हो रहा है? मुझे तो शक है कि यह वो लोग तो नहीं कर रहे हैं जो इस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। शिवसेना की मुंबा देवी सीट से उम्मीदवार शाइना एनसी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत ने मांगी माफी। उन्होंने कहा था, इम्पोर्टेड माल नहीं चलता है यहां, हमारे यहां ओरिजिनल माल चलता है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल सहमत कांग्रेस में वापस आ गए हैं। वह वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि को नामांकन दाखिल करने की समय सीमा से कुछ ही मिनट से चूक गए थे। सीसामऊ सीट पर सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के वनखंडेश्वर मंदिर में पूजा के बाद मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इस इस्लाम के खिलाफ बताया और उनके खिलाफ फतवा जारी किया। मंदिर ट्रस्ट ने हरिद्वार से लाए गंगा जल से मंदिर का शुद्धिकरण किया। गाजीपुर जिले के नोनहरा थाना क्षेत्र के शहबाज कुली गांव में गाजीपुर बलिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत। पुलिस ने बताया, तीनों व्यक्ति गौसपुर बाजार ढाबा पर खाना खाने जा रहे थे, उसी समय उन्हें किसी भारी वाहन ने टक्कर मार दी। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में एक लड़की के बलात्कार के बाद हत्या। पुलिस ने बताया, गुस्साए ग्रामीणों ने एक आरोपी को पीट पीट कर मार डाला। यूपी में बलिया जिले के दोकटी थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीय दलित किशोरी से दुष्कर्म। पुलिस ने किशोरी के पड़ोसी संजीत यादव को गिरफ्तार कर लिया है। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LSC पर चीन के साथ गतिरोध वाले दूसरे बिंदु देपसांग में सत्यापन गश्त शुरू कर दी है। देमचोक और देपसांग से पीछे हटे थे भारतीय और चीनी सैनिक। बंगाल में लड़की के साथ बलात्कार कर की गई हत्या। ग्रामीणों ने आरोपी को पीट पीट कर मार डाला। तालाब में मिला था लड़की का शव। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में शनिवार को श्रद्धा एवं उल्लास के साथ गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया गया। हालांकि पुष्य मार्गीय संप्रदाय के द्वारकाधीश मंदिर में गोवर्धन पूजा शुक्रवार को ही मना लिया गया था। करतारपुर साहिब जाने वाले सिख श्रद्धालुओं को बड़ी राहत। वीजा ऑन अराइवल की व्यवस्था का भी ऐलान किया गया है। भारत से बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु करतारपुर साहिब जाते हैं। शरद पवार का आरोप, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ दलों के उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने के लिए पुलिस वाहनों का हो रहा है इस्तेमाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए हैं ये आरोप। 25 नवंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। कई अहम बिलों पर होगी चर्चा। यह 20 दिसंबर तक चलेगा। वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक बिल पर भारी हंगामा होने के आसार। मृत्युदंड को उम्र कैद में तब्दील करने की राजुआना की याचिका पर सुनवाई 4 नवंबर को। बलवंत सिंह राजुआना की उस याचिका पर होगी सुनवाई। मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने का किया है अनुरोध। मलयालम अभिनेता निर्देशक जोजू जॉर्ज उनके द्वारा निर्देशित पहली फिल्म पानी का आलोचना करने पर एक फिल्म समीक्षक को कथित तौर पर धमकी दी गई है। समीक्षक आदर्श HS फिल्म पानी में बलात्कार के एक दृश्य की आलोचना की है। अजय देवगन की सिंघम अगेन ने किया पहले दिन 43.50 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। भूल भुलैया 3 का ओपनिंग कलेक्शन रहा 35.50 करोड़ रुपए। दोनों फिल्में दिवाली के मौके पर हुई हैं रिलीज। प्रियंका चोपड़ा ने विदेश में परिवार संग सेलिब्रेट किया दिवाली। दिवाली पूजा के दौरान ट्रेडिशनल अवतार में नजर आया एक्ट्रेस का परिवार। प्रियंका ने पंडित बुलाकर पूरे विधि विधान के साथ घर में पूजा का किया आयोजन। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।